हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गाइस। एज यू नो, काफ़ी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया फॉर द अप्लाई किया अभी तो जस्ट अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आई, एक अपडेट आया रिलेटेड टू जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। सो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर फिजिकल। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप मुझसे पूछोगे कि अगर आप फिजिकल इज़ डिफ़िकल्ट और रिटन इज़, द पॉइंट इज़ कि फिज़िकल इज़ मोर डिफ़िकल्ट देन रिटन एग्ज़ाम। सो इसलिए आपको फिज़िकल की रनिंग करने के लिए आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने कंटिन्यूसली रनिंग करनी पड़ेगी। राइट नाउ मैं भी एक ग्राउंड में ही हूँ एंड मैं आपको एक रफली एक आइडिया बताऊँगा, ज़रूर बताऊँगा। एंड आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है इस टाइम ये जहाँ पर मैं हूँ। एंड ये नागबनी का ग्राउंड है, नागबनी अखनूर रोड पर, आपको पता होगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ग्राउंड क्योंकि ये इसका जो सरफेस है वो अप्स एंड डाउन्स काफ़ी ज़्यादा है। सो मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर बताऊंगा। देखो, स्टार्ट करने के ही पॉइंट है कि हाउ टू स्टार्ट। तो स्टार्ट करने का सबसे बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, आप जैसे लेट्स सपोज कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, तो आपको फ़र्स्ट टाइम से नहीं अपना देखना है कि आपने 4 राउंड लगाने इस ग्राउंड के। तो आप ये जो ग्राउंड देख रहे हो मेरे पीछे, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, इसके 4 राउंड हो जाते हैं। एंड अप्रॉक्सीमेटली इसका 1 राउंड 410 मीटर का है, तो ओवरऑल देखें तो 1640 मीटर बन जाता है। तो वही मैंने कहा कि अगर इसको कोई पास कर लेता है तो अगर इसमें आप 6:20 में भी करते हो तो ये सबसे बेस्ट ग्राउंड है। बाकी आपको आप ग्राउंड पे दौड़ सकती हो, आपके अगर नियरेस्ट ग्राउंड नहीं है आप किसी रोड पे दौड़िए, जो भी रहता है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, डिफरेंस ज़रूर रहता है ग्राउंड पे एंड रोड पे दौड़ने का। देखो, जब आप अर्थ पे दौड़ बिल्कुल आप ग्राउंड पे दौड़ते हो, ज़मीन पे दौड़ते हो, तो उसमें आपकी आपके पाँव ज़्यादा दबते हैं। मतलब आप मान के चलोगे यू नो ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो ये तो साइंस बेसिक है, तो आपकी आपको बस इसलिए मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि आप लोग अगर किसी सरफेस पे दौड़ रहे हो या फिर रोड पे दौड़ रहे हो, आप लेट्स सपोज आप जॉगिंग कर रहे हो किसी सीमेंटेड एरिया पे, एंड फिर बाद में आपको लास्ट 10 डेज़ में आपको ग्राउंड पे भी आके ज़रूर देखना है, खुद की प्रिपरेशन को चेक करना है एंड टाइम के अकॉर्डिंग करना है। तो बाकी आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। एंड आज मैं भी आया हूँ, आज मैं सेकेंड डे आया हूँ। एंड स्टार्टिंग के दिनों मैंने आपको बताया 3-4 दिन तक आपको बिल्कुल वार्म अप करना अपनी बॉडी को, लेग्स आपके बिल्कुल, आप अगर नहीं काफ़ी टाइम से आपने नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा इशू रहते हैं। स्टार्टिंग के 4-5 दिन तो आप लगा लो वार्म अप एंड उसके बाद आप दौड़ना स्टार्ट कीजिए। ये नहीं कि आपने 1600 मीटर दौड़ना है तो आपने स्टार्टिंग के ही दिन कोशिश करनी है कि 1600 मीटर दौड़ना है, आपको 3200 मीटर दौड़ना है, यानी कि 4 की जगह 8-8 राउंड लगाने या 6-6 राउंड लगाने। तो फिर उसके बाद 10 से 20-25 दिन बाद फिर अपना टाइमिंग इस अपने डिस्टेंस को मेजर करना है कि कितना आप कैसे दौड़े। सो बस आज के वीडियो यही है, एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताया। आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस तरीके की टिप ज़रूर बताऊंगा कि किस तरीके से आप, बाकी आप डाइट को तो आपने ध्यान रखना ही रखना है, फास्ट फूड को बिल्कुल छोड़ देना है। लगा लोगे अगर आपने सच में इसे क्वालिफाई करना है तो आपको फास्ट फूड को तो त्यागना पड़ेगा। एंड 2-3 महीने तक आप बिल्कुल इसे अवॉइड कीजिए एंड हेल्दी डाइट रखिए। एंड मिल्क वगैरह एग वगैरह आप ले सकते हो अगर आप सच में इसे करना चाहते हो। सो मिलते हैं फिर आपको, मैं थोड़ा सा इस ग्राउंड का रेड कैमरे से भी बताता हूँ कि किस हिसाब से है ये। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। देख सकते हो ये ग्राउंड काफ़ी बड़ा ग्राउंड है एंड अगर इसका अगर ओवरऑल अगर पूरा ही एक राउंड लगा दिया जाए तो ये 1600 मीटर हो जाएगा, बट ये जो मेजर्ड किया गया डिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग आपको दौड़ना है। एंड देखो काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, काफ़ी पीछे ये महाराजा हरी सिंह स्कूल है, नागबनी स्कूल है, एंड इससे बास्केटबॉल कोर्ट भी है, यहाँ लोग काफ़ी स्टूडेंट्स दौड़ रहे हैं। सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मैं आपको बताऊंगा अपनी भी प्रोग्रेस एंड आप भी इसी तरीके से फॉलो कीजिए। स्टार्टिंग के दिनों 1 हफ्ते तक तो बिल्कुल वार्म अप कीजिए, उसके बाद आप स्टार्ट कीजिए अपनी प्रिपरेशन। थैंक यू।